अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 स्पून मैंने बटर डाला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हो आप सब? आज मैं बनाने लगी हूँ कॉटेज पाई। ये मैंने डाला है गार्लिक। आपने देखा 1 स्पून मैंने बटर पहले डाला, तो अब डाल दिया है हमने गार्लिक। हमने इसको वोटी ज़रा बना के तो फिर कुक करना है। तो अभी ये देखें, 1 स्पून सॉल्ट है, 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 स्पून ऑरिगानो हर्ब्स। अभी बस हमने इसको कीमे को अच्छी तरह पकाना है, गलाना है, 30 मिनट के लिए इसको कुक होने देना है। ये इधर हमने पोटैटोज को छील के तो दो दो पीस ऐसे करके तो इस पानी डाल के इनको बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये मशरूम है, इनको मैंने बारीक बारीक स्लाइस किया है। ये हमने इसमें डाल दिया, चॉप ओनियन डाल दिया 1 1/2। ये फ्रोजन पीस डालने लगी हूँ मैं, 400 ग्राम मटर डाल दिए। ये कॉटेज पाई है, ये ना शेपर्ड पाई नहीं है। शेपर्ड पाई में ओनली कैरेट्स डलते हैं, कॉटेज पाई में वेजिटेबल आपको पसंद है डाल सकते हैं, जो एक्चुअली आपकी फैमिली लाइक करती है सब आप डाल सकते हैं, इसलिए कॉटेज पाई है। फ्रेश कैरेट्स को मैंने यस्टरडे स्लाइस में काट के तो फ्रीज में डाल दिया था। फाइनल इसका जो इंग्रेडिएंट है वेजिटेबल का इसमें चला गया। अभी हम इसको 10-15 मिनट्स और पकाते हैं। वैसे इसे 10 से 12 मिनट्स में ये सब जो वेजिटेबल है ये गल जाती है। अभी हम इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा व्हाइट पेपर। पेपर लेके उनको बारीक बारीक स्लाइस कर लिया। ये सॉफ्ट चीज के स्लाइस है तो मैं ये मैश में डालने लगी हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आपने डालना नहीं डालना ना डालने तो ना। अभी हम इनको ना पाई के लिए ये मैश बना रहे हैं। ये चीज अगर आप ऐड करोगे तो और भी इसका टेस्ट बहुत ही मजे का बनेगा, तो वैसे ऑप्शनल है आपकी मर्जी, अगर आप नहीं चाहते तो। मैश रेडी हो गया है, पोटैटो का मैश स्मूथ एंड क्रीमी। इसको मैं कवर करती हूँ, अभी हम वो पाई को दोबारा देखते हैं। सारी चीजें कुक हो गई है बहुत अच्छी तरह से। अब हमने पाई को गाढ़ा करने के लिए ये इसके अंदर डाला है, जो ये एक किस्म का ना स्टार्च होता है जो फ्लेवर वाला। मैश को डालने का ये तरीका होता है, इसलिए वो जो मुझे पाई है वो भी रनी है। तो अगर हम ना मिडल में मैश डाल देंगे तो वो सारा कुछ है ना, ये मैश उसमें सिंक हो जाएगा ना, तो फ्लोट हो जाएगा और ना पाई का जो मिक्स है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये है मैश डालने का सही तरीका।
हमारी ये मेरी नवासी है, नहीं मेरी पोतरी है, पोतरी है, दो मेरिया नवासियां हैं, एक मेरी पोती है, तो वो आई है जी इधर। और ये देखें अब क्या है, ये स्प्रिंग ऑनियन, फ्रेश फ्रेश बारीक स्प्रिंग ऑनियन। अब हमने ये थोड़े थोड़े खूबसूरत दिखने के लिए ये पाइप के ऊपर डाल दिए। देखिए माशाल्लाह से फर्स्ट क्लास वाली हमारी पाई बनी है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, डजंट मैटर, पर ना खाना बनाओ ऐसा और उसकी प्रेजेंट खिला दो जी। देखें जी अब हमारी पाई गई अवन में, तो ये 200 डिग्रीज में हमने इसको कर देना है अवन को, और ना हमने इसको 12-15 मिनट्स के लिए बेक करना है। सारी चीज़ें कुक है, आपको पता है, जस्ट मैंने ये जो ऊपर होता है ना इसका गार्निश मैश वगैरह, इसको ये बेकिंग लुक देनी होती है। तो अभी 15 मिनट्स के बाद हम दोबारा